Hello everybody, very welcome to UGC NetAdda 24/7. How is everybody? Very good afternoon to all of you. Sorry for making you wait. I just need a pen, क्योंकि pen नहीं है यहाँ पे. तो एक बार मुझे pen मिल जाए, फिर we'll start the class. How is everyone? All good? All बढ़िया? Okay. Very good afternoon, everyone. Kalam. ठीक है. तो आज की क्लास जो है दैट इज़ ऑन हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन की डेमो क्लास है ये. पेड में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका एक छोटा सा झलक है आप सभी के लिए इस क्लास में. और हमारी पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. थैंक यू. हमारी पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम 26th of December. और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया है बैचेस में, तो आप सभी भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं. उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, वाइफ 563 आपके लिए कूपन कोड रहेगा. और प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच जो है परचेज़ करना, क्योंकि एप्लीकेशन से आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा. वेबसाइट पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 77 या 79 का मिलता है डिस्काउंट, लेकिन एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा मिल जाता है. बढ़िया. अच्छा, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड से. तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो हम ना एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू द हायर एजुकेशन सिलेबस, जो आपका हायर एजुकेशन है ना, उसको हम अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं. फेजेस का मतलब क्या हुआ, अलग अलग टाइम स्लॉट में. जैसा जिस तरह से एजुकेशन हमारी इंडिया में बढ़ा है, या किस तरह से प्रोग्रेस हुआ, या क्या क्या पीरियड रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, उसको बात उस इसकी बात करते हैं हम. तो सबसे पहले आता है आपका वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जब गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, बच्चे आश्रमों में पढ़ा करते थे, गुरु होते थे वहाँ पर. एक एजुकेशन के लिए उनको एक लाइक प्रॉपर सिनेरियो मिलता था. डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, सेंट्रलाइज्ड नहीं था. घरों पर भी पढ़ते थे बच्चे, घरों से भी एजुकेशन लेते थे, गुरुकुल आकर के भी एजुकेशन लेते थे. विमेन और जो मतलब लड़के और लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग चीज़ें थीं. एक टाइम के बाद गर्ल्स की एजुकेशन नहीं हो पाती थी. उसके अलावा प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक, जो लेटर वैदिक काल है और आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज रहे हैं. अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पर पैट्रियार्कल सिस्टम था, जहाँ पर वुमेन रूल करती थी, वुमेन का पावर होता था. लेटर वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल सिस्टम आ गया, जहाँ पे मेन ओवर पावर कर गए. और वहाँ से ही थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो कि वो पैट्रियार्की जो है वो अभी तक कंटिन्यूड है. नॉट जस्ट इन इंडिया, बट इन द एंटायर वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो पैट्रियार्कल सिस्टम ही फॉलो हो रहा है. मतलब पैट्रियार्की इज़ देयर इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, तो अब हुआ ये कि जब अर्ली वैदिक पीरियड था तो वहाँ पर वुमेन को भी इक्वल राइट्स होते थे. वो सभा और समिति में बैठने जाती थी, उनके डिसीजंस को भी वैल्यू किया जाता था. लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होती गई. राइट, फिर आता है आपका बुद्धिस्ट पीरियड. यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो भी टीचिंग्स हैं उस पर बात की गई. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ थे, जहाँ पर बौद्ध की शिक्षा और साथ ही साथ नॉर्मल एजुकेशन भी प्राप्त किया जाता था. फिर आता है आपका मेडिवल पीरियड. उसके बाद आता है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया की बात होती है, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया. कौन कौन से कमीशन, कौन कौन से आयोग लेकर के आए, वो मैकॉली मिनल्स, चार्टर एक्ट एंड all sort of things. And then post independent India, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद सबसे पहले आपका राधाकृष्णन कमीशन आया एंड ऑल ऑफ दैट, जो हम क्लास में अपने पढ़ेंगे, कवर करेंगे. तो ये पूरा जो है हायर एजुकेशन का सिस्टम है जो इंडिया में डिवाइडेड है अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स. राइट, यस. तो अभी हम लोग वैदिक पीरियड से शुरू करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं कि वैदिक पीरियड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं. ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट्स वॉच इट.
एंशियंट इंडियन एजुकेशन इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड एज बींग अल्टीमेटली द आउटकम ऑफ इंडियन थ्योरी ऑफ नॉलेज विच इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया स्कीम्स ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज. हमारे क्या लाइफ, हमारे क्या क्या मूल्य हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित रहा है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली वैदिक काल में. तो वैदिक काल में जो एंशियंट इंडियन एजुकेशन जिसको हम कह रहे हैं उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो इंडियन थ्योरी ऑफ नॉलेज का आउटकम है, यानी कि भारतीय सिद्धांत के परिणामों के रूप में इसको समझा जाना चाहिए, जो कि भारत की जीवन और मूल्यों की योजना का एक हिस्सा है. बेसिकली हम हमेशा मूल्यों के बारे में बात करते हैं, अपने यू नो शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी मॉरल्स हैं, ये जो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सिद्धांत जो हैं हमारे, जो मूल्य वाले सिद्धांत हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जब हम एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं. तो इसके क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं ये देख लेते हैं. इट एम्फसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रुथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस. विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था. ऑब्वियसली अगर आप पुराने ग्रंथों को देखते हैं, रामायण हो गया या महाभारत हो गया, या आप वैदिक काल में देखते हैं जो भी चीज़ें ऋग्वेद, सामवेद जो हमारे लिखे हुए हैं वेद, उनमें भी अगर आप देखोगे तो जिस तरह से एम्फेसाइज किया गया है वैल्यूज़ पर, ये जो मैथमेटिक्स की शिक्षा हो गई, साइंस की शिक्षा हो गई, इसको सेकेंडरी माना जाता था. मेन जो प्राइमरी शिक्षा माना जाता था वो माना जाता था इन्हीं वैल्यूज़ को, कि भाई हमको स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना है या जो छात्र हैं, शिष्य हैं, उनके अंदर इन सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है. स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. बेसिकली प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन की सराहना करना सिखाया गया था, क्योंकि हम सभी नेचर में रहते थे, तो नेचर की रिस्पेक्ट करना, नेचर के साथ सीखना, नेचर के लिए सीखना और नेचर की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जब हम अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में भी, ये जो वैदिक पीरियड की बात करते हैं इन सब चीज़ों में. यस, आठ साल हो गया हमें पढ़ाई छोड़े हुए, क्या हम नेट की तैयारी कर सकते हैं? जब जागे तभी सवेरा, शुरू कर लीजिए आज से तैयारी अपनी. यस, देन नेक्स्ट इज टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद. तो हम वेदों से और उपनिषदों से पढ़ते थे. फुलफिलिंग ड्यूटीज टूवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी. तो बेसिकली अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, सभी एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था स्टूडेंट्स को अपने एक इन कर्तव्यों का पालन करना. तो शिक्षण और सीखना स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने वाले वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों का पालन करते थे. इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं को वो शामिल करते थे. एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट. यानी कि आप ना कि सिर्फ वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कि यू नो रटने वाली चीज़ें या ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं या शिक्षा नहीं ले रहे हैं, आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट को भी साथ में साथ को केंद्रित कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक विकास पर भी आपकी शिक्षा केंद्रित है. तो एक्सरसाइज करना, इसके अलावा धनुष बाण चलाना सीखना, ये सारी चीज़ें, मतलब कि क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वॉर होती रहती थी, हमेशा राजा थे अलग अलग स्टेट्स में, इस तरह के लोग रहते थे, तो हर एक स्टूडेंट को ट्रेन भी किया जाता था कि आप कुछ ना कुछ तो आपको ट्रेनिंग चाहिए ही, सोल्जर वाली चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, देन इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वॉज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. दूसरे शब्दों में स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर जोर दिया गया था जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं. राइट, ओके, अब देखिए एंशियंट इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के एजुकेशन एग्जिस्ट करते थे. प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे. दैट मींस ये जो आपका वैदिक एजुकेशन था या एंशियंट एजुकेशन था वो डिसेंट्रलाइज्ड था. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन भी आता है. राइट, इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला, टोल्स, चतुष्पादियाँ एंड गुरुकुल में भी दी जाती थी. तो ये अलग अलग जगह थे जहाँ पर बच्चों को जो है वो एजुकेशन मिलता था. ठीक है, तो ये तो खैर वो चीज़ें हो गई जहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं. इसके अलावा हमारा जो इंडियन फिलॉसफी ऑफ लाइफ है इन एंशियंट इंडिया, उसको भी देख लेते हैं.
आपका आंसर मिल गया आपको समिता, JRF के लिए 30 ईयर्स की एज है और नेट के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप दे सकते हो नेट के लिए पेपर, बट JRF के लिए 30 ईयर्स है, यस। बट आप क्योंकि एक फीमेल हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, दैट मीन्स अगर आप 35 तक की एज पर भी JRF दे सकते हो बिकॉज यू आर अ वुमन। एनीवे, तो डॉक्ट्रीन ऑफ एक्शन, कर्मा ने जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस इंडियन सिस्टम ऑफ लाइफ और एजुकेशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया था कि हम कर्मा पर बिलीव करते हैं, जैसा आप जिसके साथ करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। हमारे पास दो तरह की विद्या थी, एक थी पराविद्या और एक थी अपराविद्या। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। पराविद्या जो है वो आपका हाईएस्ट नॉलेज के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसको हम अल्टीमेट नॉलेज के रूप में देखते हैं, हाईएस्ट नॉलेज। और जो आपका अपराविद्या है इसको हम लोअर नॉलेज के फॉर्म में देखते हैं। ऐसा क्यों है? मैंने आपको अभी बताया था कि जो एंशिएंट एजुकेशन है उसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना ध्यान हम मॉरल और वैल्यूज़ को देते थे। तो पराविद्या जो है ना वो क्या करता था, वो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करता था, यानी कि आप अपने मन से जो चीज़ें सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल गॉडली चीज़ें जो सीख रहे हैं, भगवान से रिलेट करके जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो नॉलेज मेन और बड़ी नॉलेज होती थी। जो आप ग्रामर सीख रहे हैं, फिलॉसफी सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, वो बहुत ही छोटी नॉलेज है, वो तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है वो तो है ही, लेकिन हमें जो मेन चीज़ जिस पे फोकस करना है वो फोकस करना है स्पिरिचुअल नॉलेज पर, ठीक है। इस वजह से ये डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला है एंशियंट इंडिया में। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, पराविद्या हिंदू दर्शन में दो प्रकार के ज्ञान में से एक है और उच्च या आध्यात्मिक ज्ञान को संदर्भित करता है। तो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। यह शब्द संस्कृत के पैरा से आया है जिसका अर्थ है उच्चतम बिंदु और विद्या जिसका अर्थ है ज्ञान। अन्य प्रकार का ज्ञान है अपराविद्या या निम्न ज्ञान है जिसमें सांसारिक पुस्तक ज्ञान जैसे व्याकरण, दर्शन, विज्ञान और गणित शामिल हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्री क्लासेस शुरू ही हैं अनुराधा, ये एक तरह से फ्री क्लास ही है। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें मैं समझा रही हूँ या सिखा रही हूँ तो वो तो फ्री क्लास हो गई ना, अलग से क्या, हमें यूट्यूब पर ही तो हम पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सिंपल। पेपर वन पेड क्लास की ऐप में टाइम है 5 से 6, 5 to 6, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं गुरुकुल की। गुरुकुल जिनको हम आश्रम भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया क्लास के स्टार्टिंग में, वो दी रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पर बच्चे और शिक्षक, छात्र और साथ में उनके गुरु सब रहते थे और पढ़ाई करते थे। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, यानी कि जो गुरु होते थे ना उन जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि ये लोग पढ़ाते थे, उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम पर ही इन गुरुकुल को नाम कर दिया जाता था। जैसे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया या इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जाते हैं तो जो हमारे आयोग हैं या जो कमीशन हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, उनको जो चेयरमैन होते हैं उन्हीं के नाम पर उस आयोग का नाम रख दिया जाता है। जैसे सैम पितोद्रा कमेटी या कोठारी कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन, क्यों? क्योंकि इन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो यही लोग रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो गुरुकुल होते थे उनके नाम वहाँ पर जो ऋषि मुनि उन गुरुकुल को देखते थे या उनका स्थान था रहने का, उनके नाम पर इनको रख दिया जाता था। सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स, हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल। तो ये जो गुरुकुल होते थे वो जंगलों में स्थित होते थे, नेचर के क्लोज होते थे, ठीक है, शांत वातावरण में होते थे और यहाँ पर सैकड़ों छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। छोटे बच्चे वहाँ पर भी, जूनियर सीनियर ये सारी चीज़ें चलती थी, ठीक है। क्या हुआ मनीषा? एक साइड से सीरीज में क्लास नहीं हो सकती है, दिस इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूट्यूब।
ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पर क्लास करके, मतलब ऑब्वियसली आप यूट्यूब पर क्लासेस करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेड क्लास में ही आओ, दिस इज़ नॉट व्हाट आई पोर्ट्रे। मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि आप जो ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि एक ही क्लास में पूरी यूनिट कवर नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, सीरीज़ में लेकर के आइए, ये हम पॉसिबली कर नहीं सकते क्योंकि चार यूनिट्स हैं मेरे पास, मेरी कोर चार यूनिट्स हैं जो मैं आपको पेपर वन में पढ़ा रही हूँ। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि मेरे पास मंडे टू सैटरडे का टाइम है, ठीक है, अगर एविडेंटली देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे का टाइम है, सैटरडे को हम कभी मैराथन सेशंस करते हैं तो वो ओवरऑल सेशंस हो जाते हैं, तो सैटरडे को हम ओमिट आउट करते हैं। अगर मैं मंडे टू फ्राइडे की बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि हम एक ही चीज़ चला रहे हैं यूट्यूब पर लाइन से कि टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया है तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है या SEO है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। वी हैव टू स्विच बिटवीन टॉपिक्स, हम एक ही टॉपिक को नहीं चला सकते हैं YouTube पर, अदरवाइज़ वो जो चीज़ें हैं ना, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ मुझे नहीं पता है, बट वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके हमें बताया जाता है कि वो चीज़ें फिर लॉन्गर टर्म में सही नहीं रहती हैं। इसी वजह से एक टाइम टेबल बना दूंगी मैं आपके लिए, अभी तो ये डेमो क्लास है, मैं एक टाइम टेबल बना दूंगी आपके लिए, उस टाइम टेबल में आपको बता दूंगी कि इस दिन हम कौन सी क्लास करेंगे, इस दिन हम कौन सी यूनिट करेंगे। मैंने हमेशा यही किया है, दो दो दिन का एक जो है वो बफर लेकर चली हूँ मैं कि दो दिन ये वाली यूनिट, दो दिन ये वाली यूनिट और दो दिन ये वाली यूनिट, फिर नेक्स्ट वीक से हम और कुछ यूनिट्स, प्लस हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर सकते हैं यूट्यूब पर, एक लाइन से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ, थोड़ा सा नहीं हो पाता है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ मनीषा, नहीं हो पाता वन बाय वन, ठीक है, हाँ चलो। अब बात करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम जो है शिक्षा लेते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आर एंशियंट सिस्टम, जो मंदिर थे वो भी शिक्षा के केंद्र थे, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, और हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे। स्टूडेंट्स वेंट टू विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज फॉर हायर नॉलेज, ये विहारा वर्ड जो है इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विहाराज का मतलब ही होता है वो जगह जहाँ पर आप शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। छात्र उच्च ज्ञान के लिए विहारों और विश्वविद्यालयों में जाते थे। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन वॉट वॉज टॉट इन द क्लास। बेसिकली क्या होता था, मुख से मौखिक शिक्षा दी जाती थी, गुरु बैठते थे, उनका ऊंचा स्थान होता था, जो छात्र या शिष्य होते थे वो नीचे बैठते थे, उनका नीचे का स्थान होता था, जो गुरु होते थे वो मौखिक शिक्षा देते थे, अपनी बातें बोलते थे, बहुत ज्ञान वर्धी चीज़ें बताते थे, और जो उनके शिष्य होते थे वो उसको सुनते थे और बाद में उस पर चिंतन करते थे। तो ये चिंतन वाली जो है वो मेन आप कह सकते हो पढ़ाई होती थी। मैंने बताया भी है कि ये वर्ड आपको याद रखना है, चिंतन एक जो चीज़ था, मेडिटेशन जो एक चीज़ था, वो एक मेन मेथड होता था स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को, अपने गुरु द्वारा बताई गई चीज़ों को याद करने में या समझने में, ठीक है। देन अब हम वुमेन की बात कर लेते हैं। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, वुमेन के पास भी एक्सेस था लेकिन ये अर्ली वैदिक पीरियड में था। अमंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स वी फाइंड रेफरेंसेस टू मैत्रेयी, विश्वंभरा, अपला, गार्गी एंड लोपमुद्र, टू नेम अ फ्यू। तो ये कुछ नाम हैं जो प्राचीन वैदिक स्कॉलर्स थे, वुमेन वैदिक स्कॉलर्स थे। तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी, लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें डिक्लाइन हो गई। प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों में हमें मैत्रेयी, विश्वंभरा, अपाला, गार्गी और लोपमुद्र जैसे कुछ नामों का उल्लेख मिलता है। इनका नाम आपको NEP 2020 के अंदर भी मिलेगा, जो आप NEP 2020 में पढ़ते हो ना, क्योंकि NEP 2020 में हमने सब कुछ देखा है, एंशंट एजुकेशन से लेकर के अभी 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, तो उस नई शिक्षा नीति के PDF में सब कुछ मेंशनड है कि एंशंट एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा था और करेंटली हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ओके हाँ, तो फिर वो संडे को क्लास नहीं होगी ना, प्रवेश फिर वो मंडे को शिफ्ट हो जाएगी ना। सोर्सेज क्या थे एजुकेशन के, एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द एजुकेशन ऑफ द वेदा, वेदों से हमें मिलती थी, ब्रह्मनास से मिलती थी, उपनिषद और धर्म सूत्र, ये कुछ शिक्षा की प्राचीन प्रणाली
को जो है वो पहुंचाने के स्रोत हुआ करते थे। कौन कौन से हैं? वेद, ब्रह्मणास, उपनिषद और धर्मसूत्र। एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं कुछ। ये क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको बताओ। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट? हाँ हाँ एमकॉम जो लोगों ने मास्टर्स किया उनके लिए भी यही क्लास रहेगी, बिल्कुल। ओके तो वेद, ब्रह्मणास, उपनिषद और धर्मसूत्र, ये चारों ही होंगे। 1, 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। ये बताइए क्या है ये? Assertion that the aim of education in India, ancient India, was not just the acquisition of knowledge but preparation for life in this world beyond schooling. Ancient Indian education laid emphasis on complete realization and liberation of self. Devesh Kishore ji, syllabus is about to change. आपसे बताया NTA ने? जब तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है, अपडेटेड सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक जो सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है? और सिलेबस अपडेट होगा, चेंज नहीं होगा। सब कुछ ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, सब कुछ एकदम अलग थोड़ी हो जाएगा। कुछ चीज़ें NTA हो सकता है ऐड करे, UGC हो सकता है ऐड करे, बट ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एकदम ही कुछ नया आ जाएगा, आपको बिल्कुल ही कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड बियॉन्ड स्कूलिंग। आपको पूरे जीवन की तैयारी करवाता था एंशिएंट एजुकेशन, क्योंकि हम मूल्यों के बारे में बात करते हैं, हम फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हम नेचर के साथ में क्लोज हैं, तो ऑब्वियसली स्कूलिंग के बियॉन्ड भी आपको, मटीरियलिस्टिक नॉलेज के बियॉन्ड भी आपको नॉलेज मिलती है। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन लेड एम्फेसिस ऑन कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ सेल्फ। हम जो है क्योंकि ऐसी विद्या को मेन मानते थे जो था हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमें यही बताता है कि आपको अपने से लिबरेट होना है, हमको जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है या ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान को अर्जित करना है, लाइफ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आखिर लाइफ है क्या, लाइफ डेथ ये है क्या चीज़ है। ये हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं चीज़ों को, लिबरेट हो जाते हैं चीज़ों से, मुक्त हो जाते हैं चीज़ों से। तो आपका ए और आर दोनों करेक्ट है, और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है ए का, ठीक है? तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। ऑल राइट, ये बताइए। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वॉज फ्री, इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड। यार हमें भी नहीं पता है वैसे तो वीरेंद्र कि कब आएगा नया सिलेबस, अब बस आ जाएगा। बट मैं आपको बताती हूँ, हुआ ये था ना कि जब पिछली बार भी NTA ने बोला था, जब लास्ट अपडेट हुआ था सिलेबस, तो भी उसके बहुत पहले बोला गया था कि सिलेबस चेंज होगा, बट कुछ आया नहीं था चेंज का। तो मुझे लगता है इस साइकिल में तो नहीं आने वाला चेंज सिलेबस, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर चेंज सिलेबस होना होगा तो NTA रिजल्ट के बाद या अभी उसको अपडेट कर देना चाहिए था, बट अब क्योंकि समिति बन चुकी है तो आई थिंक आ ही जाएगा। देखते हैं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, ठीक है? तो मैं आपको बार बार बता रही थी कि एंशिएंट इंडिया में
केंद्रीकृत नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन थी। कई बार मैंने ये वर्ड यूज़ किया है क्लास के स्टार्टिंग में। तो जो एजुकेशन था दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड, इसलिए स्टेटमेंट टू गलत है लेकिन स्टेटमेंट वन आपका सही है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन थ्री। ठीक है, यस, गुड। जिन लोगों ने ध्यान से क्लास में सुना है उनको सही पता चला होगा। ये बताइए, इट इज सेड दैट इन द अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन हैड इक्वल राइट्स टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। स्टेटमेंट टू, इन द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड एज देयर वर नो सेपरेट गुरुकुल्स फॉर गर्ल्स ऑफ द एज 12 इयर्स एंड अबव दे कुड नॉट रिसीव हायर एजुकेशन। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में भी है। हिंदी में बताइए, चलिए। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली जो वैदिक पीरियड था वो दो फेजेस में डिवाइडेड था। एक था आपका अर्ली वैदिक पीरियड और एक था आपका लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन और मेन दोनों को ही इक्वल राइट्स थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में पेट्रियार्कल सिस्टम आ गया जिसमें विमेन का जो स्टेटस है वो कम हो गया, नीचे हो गया। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन हैड इक्वल राइट्स, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, लास्ट फेज मतलब लेटर फेज मतलब कि बाद वाला, एज देर वर नो सेपरेट गुरुकुल्स फॉर गर्ल्स ऑफ द एज 12 ईयर्स एंड अबव, मतलब कि 12 साल के ऊपर के लड़कियों के लिए कोई सेपरेट गुरुकुल्स नहीं थे तो लड़कियों की हायर एजुकेशन नहीं हो पाती थी। ये भी बिल्कुल सही है, कोविड का भी कुछ सिस्टम था नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू हियर। ठीक है, हाँ, तो फिर डेमो क्लास का मतलब नहीं होगा ना फिर मनीषा कुछ। अगर मैं एक ही यूनिट की तीन क्लासेस ले लूँगी तो फिर डेमो क्लास का मतलब क्या हुआ? देर इज़ नो पॉइंट देन। ये बताइए, आयुर्वेदा विच, अच्छा ये तो हमने अभी वेद पढ़े नहीं है ना, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डिस्टिंक्शन था बिटवीन शास्त्र, शास्त्र क्या होते थे, शास्त्र जो होते थे हमारे लर्न डिसिप्लिन। हम कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। तो शास्त्र मतलब वो चीज़ें जो हम सीखते हैं, सीखा हुआ अनुशासन। और काव्य, काव्य क्या है, जो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर है। जैसे हम कहते हैं ना कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसीदास की कृतियाँ, उन्होंने जो है वो हनुमान चालीसा लिखा तुलसीदास ने। तो ये सारी जो चीज़ें जो इमेजिनेटिव या क्रिएटिव लिटरेचर आपको देखने को मिलता है उनको हम काव्य शास्त्र कहते हैं, सॉरी काव्य कहते हैं। तो एक तो हमारे शास्त्र हो गए जहाँ से हमको चीज़ें मिलती हैं, डिसिप्लिन वाली, लर्नड डिसिप्लिन, जो हम चीज़ें सीखते हैं। और काव्य जो है वो क्या है, वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव वर्क है, हम कहते हैं ना कविताएँ जो हम जिसको कहते हैं। तो ये होता है, तो इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस क्रिएट किया गया था, डिस्टिंक्शन बनाया गया था। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास, आवश्यकी, अन्वीशिकी, लॉजिक, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, वार्ता, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या जिसको हम आर्चरी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने के स्रोत थे, इतिहास था, जैसे विभिन्न विषयों से लिए गए थे, तर्क, व्याख्या, वास्तुकला, राजनीति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन और धनुर्विद्या, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी, बच्चों को बताई जाती थी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, उससे पहले ये भी देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन को भी इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया में रखा गया था, क्रीड़ा वगैरह करवाया जाता था, एक्सरसाइज करवाई जाती थी, धनुर्विद्या सिखाया जाता था, मार्शल स्किल्स, मार्शल आर्ट्स बताए जाते थे,
योग बताया जाता था, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारे वैदिक एजुकेशन में, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था आपका हाल ही में एग्जाम में, इसको देखिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैम नीचे का दिख नहीं रहा है, हाँ ये बंद कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड, अब दिखेगा, चलो। चलिए बताइए, कोई बात नहीं मनीषा, मेरे बहुत सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो मसला सिर्फ वो नहीं है, ऑल राइट। और आप प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स करना बंद करिए, आई डोंट वांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, बट यस प्लीज़। चलो ठीक है, देखते हैं। तो द मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरक एंड सुश्रुता वर इंक्लूडेड अमंग एंशियंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अमंग एंशियंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन नो डिस्टिंक्शन वॉज ड्रॉन बिटवीन शास्त्र एंड काव्य। तो जो स्टेटमेंट टू है आपका वो गलत है, स्टेटमेंट वन आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर थ्री, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। हाँ वेरी गुड, Why is this happening? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ाना है। कहाँ गया भाई वो वाला क्वेश्चन, शिक्षा फेनेटिक्स, एक मिनट। हाउ इज दिस पॉसिबल, इट्स नॉट इन हियर, वो बात नहीं है शायद। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम द एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। क्या एम थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के, सबसे पहला एम था द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोक्ष। एंशिएंट इंडियंस बिलीव्ड इन द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन एज द अल्टीमेट एम एंड द यूनियन विद ऑलमाइटी। द पीपल कुड बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अभी एक क्वेश्चन भी हमने किया था, उसमें भी सेम चीज़ थी, लिबरेशन ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ऑल राइट, क्या हुआ, हाँ हाँ 5 बजे क्लास है भाई।
देन कैरेक्टर शेपिंग यानी कि चरित्र निर्माण की बात करता है. द वैल्यूज ऑफ हाइएस्ट फॉर्म्स लाइक रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ऑनेस्टी, उसके अलावा ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स वर द मेन एम ऑफ एजुकेशन. बड़ों के प्रति सम्मान, ईमानदारी, सच्चाई, बड़ों का सम्मान आदि जैसे उच्चतम रूपों के मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य थे. तो एंशंट एजुकेशन में हम यही सारी चीज़ों को एम लेकर के चलते हैं. थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, यानी कि सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास. टीचिंग वॉज नॉट लिमिटेड टू द प्रैक्टिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट. द स्टूडेंट्स वर ट्रेन टू डेवलप देयर ओवरऑल पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिलायंस. तो ये भी वर्ड आपका अभी आया था जब हमने क्वेश्चन किया था. प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर. हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो इतनी आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, हम इतने समृद्ध हैं संस्कृति से, उसको प्रिजर्व करना, उसका प्रमोशन करना और उसको समझना. द एंशंट एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग द कल्चर एंड प्रोटेक्टिंग इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आगे की पीढ़ी के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली हैं उनके लिए हमारा जो रिच कल्चर है उसको प्रिजर्व करना और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे पहुँचाते रहना. ये भी एंशंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था. क्या क्या मेथड्स थे इंस्ट्रक्शन के? श्रवण, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द टीचर. तो बच्चा जो है वो जो भी टीचर कह रहा है उसको सुनता था. श्रवण करना मतलब सुनना. मनन, मनन में क्या होता था, इट मेक्स पीपल थिंक ऑफ हिमसेल्फ एंड इवेलुएट द टीचिंग बाय हिमसेल्फ. तो ये जो हमने मेडिटेशन वाला प्रोसेस देखा था उसको हम मनन कहते हैं, यानी कि चिंतन करना. एंड निधि ध्यासना, इट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ट्रुथ एंड अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड, यानी कि जो भी सच्चाई है उसको समझना. कॉम्प्रिहेंशन मतलब उस चीज़ को समझना और फिर उसको रियल वर्ल्ड में जा करके, जो हमारा एक्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ पर हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर उसे लागू करना. तो ये तीनों चीजें थी, श्रवण, मनन और निधि ध्यासना. गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को सुनने की प्रक्रिया. मनन, छात्रों को स्वयं सोचने पर मजबूर करने वाली प्रक्रिया. और निधि ध्यासना, सत्य को समझना और उसे वास्तविक दुनिया में लागू करना. ठीक है, हाँ. किरण होगी 6 बजे क्लास, 6 बजे क्लास होगी ईवीएस की. इवैल्यूएशन सिस्टम क्या था? 3 तरह के ग्रेड्स होते थे स्टूडेंट्स के. एक होता था महाप्रजनन. महाप्रजनन में वो स्टूडेंट्स होते थे जिनकी हाईएस्ट एबिलिटी होती थी, वो जो टीचर्स के फेवरेट हुआ करते थे, जो रैंक 1 हुआ करते थे, उनको हम कहते थे महाप्रजनन. ये ग्रेड था वहाँ पे, तब ग्रेडिंग सिस्टम. अभी क्या है, CBCS का ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA, SGPA है ना, वो वाली चीज़ें हैं. डिविजन आया था बीच में, फर्स्ट डिविजन, सेकेंड डिविजन वाली चीज़ें. अब यहाँ पर एंशंट एजुकेशन में ये वाले इवैल्यूएशन सिस्टम यूज किए जाते थे. मध्यम प्रजनन ग्रेड में वो बच्चे होते थे जो मीडियोकर एबिलिटी के थे, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं, वो मिडिल वाले बच्चे होते हैं. ये सबसे बढ़िया होते हैं, लाइफ भी इंजॉय कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सब कर लेते हैं. अल्प प्रजनन ग्रेड वाले वो बच्चे होते हैं जो लो एबिलिटी के होंगे, यानी कि जिनके मार्क्स कम होंगे या जिनको कम चीज़ें समझ में आएंगी, जो इंटेलेक्चुअली कमज़ोर होंगे बाकी स्टूडेंट से. तो ये ग्रेडिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम यूज़ हुआ होता था एंशंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर. ठीक है, हाँ. तो अभी हम लोगों ने एंशंट एजुकेशन के क्वेश्चंस भी कर लिए, एंशंट एजुकेशन का जो है वो थ्योरी भी देख ली कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या रहा है. अब ये तो एक मतलब काइंड ऑफ क्योंकि डेमो क्लास ही थी, बट आगे जब हम अपनी क्लास अलाइन करेंगे, मतलब यूट्यूब के लिए फ्री क्लासेस अलाइन करेंगे, तो मैं अलग से आपके हर फेजेस के जो एजुकेशन सिस्टम है उनका कुछ कुछ पोर्शन आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करवाऊंगी अलोंग विद द क्वेश्चंस आल्सो. तो जैसे अभी वैदिक हो गया है, बुद्धिस्ट एजुकेशन हमें करना है, यूनिवर्सिटीज़ हमें करनी है हायर एजुकेशन में, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है हर पेपर में, और वो था यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट ईयर. तो अब हमें क्या करना है, जितने भी कमीशन हम पढ़ेंगे, चाहे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, उन कमीशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ भी उस टाइम तक एस्टैब्लिश हो गई थी. जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आए कि आप बताइए कि पहले कौन, सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सबसे लेटेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है. तो वो हम तभी अरेंज कर पाएंगे व्हेन वी आर अवेयर अबाउट दी
ईयर, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि हम क्या क्रोनोलॉजी जो है वो देखें और किस तरह से ईयर वाइज यूनिवर्सिटीज़ को याद करें। तो ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी आपको यूट्यूब पर भी, फ्री क्लासेस में भी। बाकी जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अभी से उसी लेवल की करना चाहते हैं जहाँ JRF या नेट क्वालिफाई होता है, तो आप हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी 26 दिसंबर से बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2 क्लासेस ले चुकी हूँ मैं। तो आपको एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन पर चले जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट UGC। UGC सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है UGC नेट जून 2024 के अंदर। इसमें आपको पेपर वन का फाउंडेशन बैच दिख रहा होगा, आप ये वाला बैच ले सकते हो या फिर आप व्यू ऑल करके बाकी कोई सा भी बैच आप परचेज कर सकते हो। ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। पेपर वन के 2 बैचेस हैं, एक तो ये वाला बैच हो गया और एक है कहाँ चला गया, EVS का बैच हो गया ये वाला। ये आपका पेपर वन के बुक किट के साथ अवेलेबल है, तो आप अगर बुक्स भी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बैच भी मिल जाएगा और बुक्स भी मिल जाएंगी। Y563 कूपन कोड लगा लीजिएगा, आपको 3449 रुपीज़ में ये बुक्स और साथ में साथ बैचेस की क्लासेस भी मिलेंगी। ओके, चलो, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। एंड ओके, ठीक है, चलो, सो सी यू अगेन एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। कल मिलते हैं, आई थिंक कल पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की होगी डेमो क्लास, तो उसमें भी ज़रूर आइएगा। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, न्यू ईयर पर मिलेगा डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी आएगी न्यू ईयर पे फिर से, ठीक है, चलो।